जबलपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का चुनाव को लेकर के 2 दिवसीय करनपुर दौरा है। आज से 2 दिन तक करनपुर में सीपी जोशी रहने वाले हैं और आज करनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो बैठक भी लेंगे। दोपहर 3 बजे पदमपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 5:30 बजे चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। शाम 7 बजे वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा भी करेंगे। 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 11 बजे बूथ सम्मेलन को सीपी जोशी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे 34 LNP वीजवायला में किसानों से संवाद बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, करनपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब बीजेपी एक्टिव मोड पर आ गई है। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जो हैं वो करनपुर के दौरे पर हैं। देखिए, बिल्कुल, करनपुर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले हमने देखा कि कांग्रेस ने भी बागडोर वहां पर संभाली। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके हैं गंगानगर में पहुंचने के साथ करनपुर में तमाम जो अगर संगठनात्मक गतिविधियां देखें वो वहां पर की जाएगी, लेकिन खासतौर से चुनाव को फोकस वहां पर किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं, वहां के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात वहां पर होगी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सीपी जोशी करनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक वहां पर लेंगे और फिर 3 बजे पदमपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। शाम 5:30 बजे चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक लेंगे और फिर 7 बजे वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा वहां पर की जाएगी। और हम देखेंगे कल सुबह 10 बजे सीपी जोशी पहले प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, फिर 11 बजे युवा सम्मेलन जो है उसको संबोधित करने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे बीजल वायला में किसानों से संवाद का कार्यक्रम जो है वो सीपी जोशी का है। सभी का लगभग यही है कि करनपुर का जो उपचुनाव है, हमने देखा था कि 200 विधानसभा थी राजस्थान के अंदर विधानसभा की, लेकिन एक सीट पर करनपुर पर एक प्रत्याशी के निधन के चलते वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अब इन जो उपचुनाव है करनपुर का, उसमें 5 जनवरी को वोटिंग वहां पर होगी। तो ऐसे में तमाम पार्टियां ताकत लगा रही है और इसी मुहिम में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक सीट यहाँ से और उपचुनाव की निकाली जाए ताकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो और सॉलिड भारतीय जनता पार्टी के पास में बैठे और एक इजाफा भी इसको कहा जा सकता है। और खासतौर से अगर ये देखा जाए, उपचुनाव जो एक सीट का यहाँ पर हो रहा है, एक तरह से बहुमत आने के बाद में ये जो सीट के इलेक्शन के जो नतीजे होंगे वो अपने आप में काफी कुछ मायने यहाँ पर देंगे। एक तो जनता का मैंडेट बताएंगे, हमने देखा कि सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। उस एक्टिव मोड में आने के बाद में क्या करनपुर की जनता एक तरह से अगर सैंपल के तौर पर देखा जाए तो क्या सरकार की गतिविधियों से संतुष्ट है, जिस तरह का कार्यकाल शुरुआत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की, या फिर क्या कुछ माहौल होता है, तो ये भी निर्भर करता है कि काफी कुछ इस उपचुनाव के नतीजे जो है वो सियासी गलियारों के अंदर काफी महत्व अपने यहाँ पर रख सकता है। जी जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।